बिग बॉस ओटीटी के घर में निया शर्मा ने अक्षरा सिंह को लेकर प्रतीक सहजपाल को दी है बड़ी सलाह। अक्षरा सिंह को लेकर प्रतीक सहजपाल से कही है बड़ी बात, ऐसी बात जिसे अगर समझ लें प्रतीक सहजपाल तो उनका खेल और भी ज्यादा स्ट्रांग लगने लगेगा। अब ऐसा क्या कहा है निया शर्मा ने, आइए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्विक टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं ये एक्सक्लूसिव न्यूज। हम आपको बता दें दोस्तों कि बिग बॉस ओटीटी के घर में निया शर्मा की जब से एंट्री हुई है तब से ही सभी कंटेस्टेंट में पूरी तरह से भूचाल आ गया है और साथ ही साथ सभी कंटेस्टेंट जो हैं सोचने में मजबूर हो गए हैं कि ये कौन सी आफत बिग बॉस ने घर में घुसा दिया। और साथ ही साथ निया शर्मा आते ही कुछ कंटेस्टेंट्स को काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट किया और कुछ कंटेस्टेंट्स की जमकर तारीफों की पुल बांधी और जो भी उनके अंदर कमी थी उसे दूर करते हुए दिखाई दी निया शर्मा, और कुछ कंटेस्टेंट्स को उनके सामने पूरी तरह से बताया कि कहाँ कमी है कहाँ कमी नहीं है। और उन्हीं में से प्रतीक सहजपाल भी एक थे। प्रतीक सहजपाल से वो बात करते हुए दिखाई दी जहाँ पर वो ये कहते हुए दिखाई दी कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप बहुत ही अच्छे हो, जैसा मैंने प्रीमियर एपिसोड में आपको देखा था वैसा आपका नेचर नहीं है, वो आपका नेचर नहीं है, आपका नेचर जो है हमें समझ में आ चुका और बाहर दर्शक जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपके खेल को पसंद कर रहे हैं, ऐसी बात बोलते हुए दिखाई दी प्रतीक सहजपाल को निया शर्मा। और साथ ही साथ कनेक्शंस, बात रही कनेक्शंस तोड़ने की, जो कि आपने अक्षरा सिंह के साथ अपना कनेक्शन तोड़ा, और साथ ही साथ उसे लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जो नया कनेक्शन बनाया नेहा बसीन के साथ, उनके साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, और साथ ही साथ आपका कनेक्शन जो था पहले था उसके साथ आपका कनेक्शन बढ़िया लग रहा था, अक्षरा सिंह के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा लग रहा था, और साथ ही साथ अगर उनका दिल दुखा है तो प्लीज़ जाकर आप माफ़ी मांग लेना अक्षरा सिंह से। ये बात बोलते हुए दिखाई दी नेहा निया शर्मा नेहा बसीन को लेकर और साथ ही साथ प्रतीक सहजपाल अक्षरा सिंह को लेकर। वेल दोस्तों, अब निया शर्मा अब ये देखना होगा कि वो खेल किस तरह से खेलती हैं बिग बॉस ओटीटी के घर में।